नमस्कार। आज 11 दिसंबर ओशो यानी आचार्य रजनीश की बर्थ एनिवर्सरी है, जन्म की पुण्यतिथि है। मैं पूना से हूँ अभी, और पूना में उनका आश्रम है और बड़े संगीत और खुशियों से ये दिन मनाया जाता है उनके आश्रम में। यहाँ ओशो, ऑल्सो नोन एज आचार्य रजनीश, भगवान रजनीश, अनेक नामों से उनको जाना है। किसी ने बहुत सराहा है, किसी किसी ने बहुत निंदा भी की है। ओशो सबके हैं, सबके लिए हैं। ओशो इज ऑल्सो फ्रॉम जबलपुर, मध्य प्रदेश, द टाउन दैट आई ग्रू अप इन एंड ही टॉट फिलोसफी इन। इसलिए आज उनके लिए मुझे एक उनकी बहुत ही खूबसूरत कविता, मेरे ख्याल से ये ओशो ने लिखी नहीं है, बट आई हैव हर्ड हिम रिसाइटिंग दिस एंड इसलिए मुझे बहुत ही पसंद आई और मैं आज वो पेश कर रही हूँ आपके पास। तो वो इस कविता में ओशो खुमारी क्या है ये बताते हैं। वो एक्चुअली ही इज टॉकिंग अबाउट कबीर। ओशो ने सबको पढ़ा है, हम ओशो को पढ़ लें। ही इज टॉकिंग अबाउट बुद्ध, कबीर, मीरा, नानक, सहजो, लाओत्से एंड सो मेनी पीपल। और वो समझाते हैं कि खुमारी क्या है। खुमारी इज दैट स्टेट बिटवीन कॉन्शियसनेस एंड अनकॉन्शियसनेस, यानी रात होने के पहले और दिन ढलने के पहले का जो समय है उसको वो खुमारी कहते हैं। ओशो ये भी कहते हैं कि खुमारी ना बुद्ध में मिलेगी ना मीरा में मिलेगी, मगर कबीर में जरूर मिलेगी। और इसलिए उन्होंने एक कविता को रिसाइट किया जिसमें वो समझाने की कोशिश करते हैं कि खुमारी क्या है। वही मैं आज दोहराने की कोशिश करने वाली हूं। ओशो एक व्यक्ति नहीं है, एक व्यक्तिमत्व भी नहीं है। ओशो एक विचार है एंड विचार इज ऑलवेज करंट, और विचार उनका हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। इट्स डिफिकल्ट टू रियली अंडरस्टैंड ओशो। आप उनको कभी किताबों में ढूंढोगे तो कभी विचारों में ढूंढेंगे। इट टेक्स सेंचुरीज टू अंडरस्टैंड समबडी हु वाज सो अहेड ऑफ हिज टाइम। सो व्हाट आई वांटेड टू प्रेजेंट इज, गीत को उठने दो और साज को खिल जाने दो। गीत को उठने दो और साज को छिड़ जाने दो। जरा संभलने दो मीरा की बहकती पायल, जरा संभलने दो मीरा की बहकती पायल, जरा गौतम की सधे पांव बहक जाने दो। इसको कहते हैं वो खुमारी। जरा संभलने दो मीरा की बहकती पायल, जरा गौतम के सधे पांव संभल जाने दो। चुप्पी को छूने दो लफ्जों की नर्म तारों को, चुप्पी को छूने दो लफ्जों की नर्म तारों को, और लफ्जों को चुप्पी की गजल गाने दो, और लफ्जों को चुप्पी की गजल गाने दो। गीत को उठने दो और साज को छिड़ जाने दो। खोल दो खिड़कियां सब और उठा दो सब पर्दे, खोल दो खिड़कियां सब और उठा दो सब पर्दे। नई हवा को जरा बंद कमरे में आने दो, छत से है झांक रही कब से चांदनी की परी, छत से है झांक रही कब से चांदनी की परी। दिया बुझाओ उसे अंदर तो आने दो, दिया बुझाओ उसे आंगन में उतर आने दो। फिजा में छाने लगी है बहार की रंगत, फिजा में छाने लगी है बहार की रंगत। जूही को खिलने दो, चंपा को महक जाने दो। गीत को उठने दो, सांस को छिड़ जाने दो। हंसते होठों को जरा चखने दो अशकों की नमी, हंसते ओठों को जरा चखने दो अशकों की नमी, और नम आंखों को फिर से मुस्कुराने दो। हंसते होठों को जरा चखने दो अशकों की नमी, और नम आंखों को जरा फिर से मुस्कुराने दो। दिल की बातों को जरा छड़ने दो हर श्रृंगारों से, दिल की बातों को जरा छड़ने दो हर श्रृंगारों से। बिना बातों के भी कभी आंख भर आने दो, रात को कहने दो कलियों से राज की बातें, रात को कहने दो कलियों से राज की बातें। गुलों के होठों से उन राजों को खुल जाने दो, जरा जमीन को भी अब उठने दो अपने दो पांवों पर, जरा जमीन को भी उठने दो अपने दो पांवों पर, जरा आकाश की बाहों को भी अब झुक जाने दो। गीत को उठने दो और सांस को छिड़ जाने दो, जरा संभलने दो मीरा की बहकती पायल, जरा गौतम के सधे पांव बहक जाने दो।
कभी मंदिर से भी उठने दो अजान की आवाज, कभी मंदिर से भी उठने दो अजान की आवाज, कभी मस्जिद में भी घंटियां बज जाने दो, कभी मंदिर से भी उठने दो अजान की आवाज, कभी मस्जिद से भी घंटियां बज जाने दो, पिंजरे के तोतों को दोहराने दो झूठी बातें, पिंजरे के तोतों को दोहराने दो झूठी बातें, अपनी मैना को तो पर खोल चहचहाने दो, अपनी मैना को तो पर खोल चहचहाने दो, उनको करने दो मुर्दा रस्मों की बर्बादी का गम, उनको करने दो मुर्दा रस्मों की बर्बादी का गम, हमें नई जमीन नई नया आसमान बनाने दो, एक दिन उनको भी उठा लेंगे सर आंखों पर हम, एक दिन उनको भी उठा लेंगे सर आंखों पर हम, आज जरा खुद के पांव तो संभल जाने दो, आज जरा खुद के पांव तो संभल जाने दो, जरा सागर को बरस जाने दो बनके बादल, जरा सागर को बरस जाने दो बनके बादल, और बादल की नदी को सागर में मिल जाने दो, और बादल की नदी को सागर में मिल जाने दो, जरा चंदा की नरम धूप में सहकने दो बदन, जरा चंदा की नरम धूप में सहकने दो बदन, जरा सूरज की चांदनी में भीग जाने दो, जरा सूरज की चांदनी में भीग जाने दो, उसको खोने दो जो कभी पास था ही नहीं, उसको खोने दो जो कभी पास था ही नहीं, जिसे खोया ही नहीं उसे फिर से पाने दो, अरे हाँ हाँ हुए हम लोगों के लिए दीवाने, अरे हाँ हाँ हुए हम लोगों के लिए दीवाने, अब लोगों को भी तो जरा होश में आने दो, अब लोगों को भी तो जरा होश में आने दो, ना रहे मैं खाना ना मैं ख्वार, ना साकी ना शराब, ना रहे मैं खाना ना मैं ख्वार, ना साकी ना शराब, नशे को ऐसी भी हद से गुजर जाने दो, नशे को ऐसी भी हद से गुजर जाने दो, उसको गाने दो उसके गीत मेरे होठों से, उसको गाने दो उसके गीत मेरे होठों से, और मुझे उसके सन्नाटे को गुनगुनाने दो, और मुझे उसके सन्नाटे को गुनगुनाने दो, गीत को उठने दो और सांस को छिड़ जाने दो, जरा संभलने दो मीरा की बहकती पायल, जरा गौतम के सधे पांव बहक जाने दो, गीत को उठने दो और सांस को छिड़ जाने दो, जरा संभलने दो मीरा की बहकती पायल, और जरा गौतम के सधे पांव बहक जाने दो। ये है कुमारी जो ओशो समझाते इतनी खूबसूरती से, दैट मोमेंट व्हेन यू लूज कॉन्शियसनेस बट यू आर नॉट अनकॉन्शियस, व्हेन यू आर कॉन्शियस येट अनकॉन्शियस, ये खुमारी सिर्फ कबीर में पाई है उन्होंने, और वो उसको समझाते हैं, इसलिए इसको मैंने पेश की, बहुत ही खूबसूरत कविता ओशो आचार्य रजनीश के लिए, जिन्होंने जीवन काल में मेरे बहुत कुछ, सिर्फ मैंने उनको पढ़ा है, मिल तो कभी पाए नहीं, हालांकि हमारा शहर एक ही था जबलपुर, और आज पूना में मैं हूँ वो भी एक ही शहर है, मगर तकदीर नहीं थी तो मिले नहीं। आचार्य रजनीश ओशो को मेरा प्रणाम।